हेलो एंड वेलकम टू अमित के सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है माफ्रा की तरफ से आने वाला फास्ट स्पॉयलर। ये काम आता है दोस्तों प्लास्टिक को रिस्टोर करने में, जो कि आप कार में भी देखा होगा अपने बम्पर्स प्लास्टिक के जो लगे रहते हैं या प्रोटेक्ट साइड के जो प्लास्टिक होते हैं वो फेड हो जाते हैं धूप की वजह से ऑक्सीडाइज होकर, तो वही प्रॉब्लम इसमें भी है। एक्टिवा जितने लोगों के पास होगी उनको ये अच्छे से पता होगा कि ये जो प्लास्टिक का ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं वो फेड होने के बाद कितना भद्दा दिखता है, और अक्सर हम इस पर पॉलिश लगाते हैं जो कि 2 से 3 दिन बाद फिर से दोबारा ऐसे ही फेड होने लगता है। इसी के लिए मैं ये प्रोडक्ट लेकर आया हूँ माफ्रा की तरफ से आने वाला फास्ट स्पॉयलर। देख सकते हैं आप, इस ये 300 की बॉटल है और लगभग इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 549 की, यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन है। तो मैं आज इसका यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। ये लगभग 4 से 6 महीने तक आपका जो प्लास्टिक का पार्ट है वो रिस्टोर हो जाएगा और यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करेगा। फ्रेंड्स पहले आप इसकी कंडीशन देख लीजिए, पूरी तरह से फेड हो चुका है इसका प्लास्टिक पार्ट, ठीक है। तो इसको हम आज रिस्टोर करने वाले हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एकदम से डलनेस दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो इसको भी रिस्टोर करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। इसको डिवाइड कर देते हैं, इस पर मैं मास्किंग कर देता हूँ टेप की मदद से, उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं। तो मास्किंग टेप लगा देता हूँ मैं, देखते हैं उसके बाद। तो इसको एक बार अप्लाई करने के लिए चेक करेंगे और इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। ये मैंने अप्लाई कर दिया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। आप अप्लाई करने से पहले इसको क्लीन कर लीजिएगा, मैंने इसको क्लीन किया था तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद इसको वाइप नहीं करना है, कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये ड्राई हो जाए, ठीक है। परमानेंट ड्राई होने के बाद फिर आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट। दोस्तों इसको पूरा मैं ये जो हाफ एरिया है उसको एक बार करके फिर आपको दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट। दोस्तों आप चाहे तो फोम पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये आपका रिस्टोर नहीं किया मैंने और यहाँ पर रिस्टोरेशन का प्रोसेस हुआ है। दोनों में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर ये आपको फेडेड पार्ट दिख रहे हैं और ये देखिए ये स्टिकी नहीं है थोड़ा भी, ठीक है। ड्राई होने के बाद एकदम स्टिकी नहीं है, ड्राई हो चुका है पूरी तरह से, और ये लगभग 4 से 6 महीने चलता है। बाकी मैं अपडेटेड वीडियो एक बार डाल दूंगा कि ये कितने दिन बाद फिर से दोबारा फेड होता है और दोबारा से मेरे को इसको रिस्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी दोस्तों प्रोडक्ट काफ़ी शानदार है, आपके अगर कार के बम्पर्स हैं या फिर ट्रिम्स हैं जो भी रिस्टोर करने हो प्लास्टिक पार्ट एक्सटीरियर वाले, तो उसको आराम से आप इससे रिस्टोर कर सकते हैं, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं इस पूरे प्लास्टिक पार्ट पे मैंने अप्लाई कर दिया पूरी तरह से, अब फुल इसको ड्राई हो जाने देते हैं, उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। लगभग आधे घंटे हो चुके हैं अप्लाई किए हुए और अब आप फाइनल लुक देख सकते हैं इसका, कितना बढ़िया इसका रिज़ल्ट आया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो फेडेड पार्ट थे वो पूरी तरह से रिस्टोर हो चुके हैं, अपने जो कलर था ब्लैक कलर मैट ब्लैक उस कलर में आ गया, हल्का फुल्का साइन कर रहा है, ठीक है। तो साइन देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये वाला एरिया पूरा वाइट हो गया था प्लास्टिक पार्ट, ये भी पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका है। दूसरे साइड दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए यहाँ पर ये वाला एरिया पूरी तरह से जो वाइट हो गया था फेडेड हो गया था वो अब प्योर ब्लैक दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये देखिए आप देख रहे हैं ये थोड़ा भी स्टिकी नहीं है, हाथ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ड्राई हो चुका है काफ़ी और बहुत ही शानदार लग रहा है। ये पूरा वाइट दिख रहा था, कितना भद्दा दिख रहा था, बट अब भाई आप देख सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है। तो ये प्रोडक्ट को मेरी तरफ से 1 लाइक, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं इसका अमेज़ॉन लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर वो अवेलेबल होगा, या फिर आप डायरेक्ट इनके वेबसाइट से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मेड इन इटली का प्रोडक्ट है,
काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका रिस्पांस। अभी तक मैंने ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा था जो कि इसको परमानेंट रिस्टोर करे। पॉलिश लगाते थे, 2 से 3 दिन बाद फेड हो जाता था, तो उसका सॉल्यूशन मुझे मिला और ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसको मैं एक बार कार पर भी अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊंगा वीडियो में। फ़िलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है जो कार को मेंटेन रखना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, ये प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।